हाँ तो दोस्तों, पासपोर्ट कार्यालय भर्ती 2020 2020 के लिए पासपोर्ट कार्यालय में भर्ती आ गई है। तो सबसे पहले मेरे टेक चंपा चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और भी सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो मैं इसमें बताऊंगा आप सभी को क्या शुल्क है, कितना आपको सैलरी मिलेगा और क्या क्या मिलेगा, और भी आयु सीमा और पूरी जानकारी। तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए और जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बताते हैं आपको। पासपोर्ट कार्यालय विभाग रिक्ति 2019-20, विदेश मंत्रालय ने पद के लिए नई भर्ती शुरू की। सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए संबंधित योग्यता होनी चाहिए। आपको आवेदन प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तिथियां, आवेदन शुल्क, आयु सीमा और पात्रता, रिक्तियों की संख्या, वेतनमान और महत्वपूर्ण लिंक के बारे में पूरी जानकारी यहाँ मिलेगी वीडियो में। तो देखिए, यहाँ पर इतना वेबसाइट है, इस पर आप जाकर ये सब भी देख सकते हैं और यहाँ से ऑनलाइन भी कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय भर्ती 2020, हम यह भी उल्लेख करते हैं कि कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन आवेदन इसमें कर सकता है। यह सुविधा सुनिश्चित करती है कि आप पात्र हैं या नहीं है। हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब करें, हर दिन लेटेस्ट फ्री जॉब अलर्ट और सरकारी रिजल्ट अपडेट यहीं पर आप प्राप्त कर सकते हैं मेरे चैनल पर। यदि आपको इसी रिक्ति के बारे में कोई संदेह है, देखिए यहाँ पर विदेश मंत्रालय पासपोर्ट कार्यालय विभाग, पोस्ट नाम सहायक पुस्तकालय सूचना अधिकारी, मोड लागू करें ऑफलाइन। देखिए, इसको ऑफलाइन आपको फॉर्म अप्लाई करना है। कौन आवेदन कर सकता है? अखिल भारतीय उम्मीदवार, जो भारत के उम्मीदवार हो वही ऑनलाइन कर सकता है। उसके बाद चयन प्रक्रिया, साक्षात्कार के आधार पर आप साक्षर हैं तो इसको कर सकते हैं। वेतन देखिए 35,400 रुपये से शुरू है, 1,12,400 लास्ट है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। नौकरी का स्थान, आप नौकरी आपको जॉब कहाँ मिलेगी? तो नई दिल्ली में मिलेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर आयु सीमा 18 बरस से लेकर और 56 बरस तक लास्ट है। आवेदन शुल्क इसमें नहीं दिया गया है, आप जहाँ ऑफलाइन भरेंगे वहीं पर आपको मालूम चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए शैक्षणिक योग्यता, आपको कौन कौन शैक्षणिक योग्यता है इसमें? तो लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में बैचलर डिग्री होना चाहिए आपको। पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान या कंप्यूटर अनुप्रयोगों में डिप्लोमा मास्टर डिग्री होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर हम बता रहे हैं आवेदन कैसे करें। तो आपको आवेदन कैसे करना है, उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट से आधिकारिक अधिसूचना को ध्यान से पढ़ना होगा। उसके बाद यदि यह एक ऑनलाइन रिक्ति है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या आधिकारिक वेबसाइट पर सीधे आप जा सकते हैं। अब अपने सभी विवरण जैसे व्यक्तिगत विवरण, शिक्षा और शुल्क भरने के बजाय खुद को पंजीकृत करें, वहां पर आप जाकर पंजीकरण करें। उसके बाद सही फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना ना भूलें, आपको सही फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। यदि यह एक ऑफलाइन रिक्ति है तो फॉर्म को ध्यान से भरें और अपने सभी दस्तावेजों को संलग्न करें। अब इसे सामान्य या स्पीड पोस्ट से दिए गए पते पर भेजें, आप सामान्य या स्पीड पोस्ट से आप इसको भेज सकते हैं। अब एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट अपडेट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आप बने रहे, वेबसाइट पर बने रहे। उसके बाद आपको मैं बता दूं महत्वपूर्ण तिथियां कब तक है। तो अधिसूचना आउट डेट आपको 5 दिसंबर से ऑनलाइन हो रहा है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 7 जनवरी तक, 7 जनवरी 2020 तक आवेदन ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि है। तो देखिए यहाँ पर पासपोर्ट कार्यालय भर्ती 2020 उप पासपोर्ट अधिकारी DPU पदों के लिए आवेदन यहाँ पर हो रहा है। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और भी सारी नौकरी से रिलेटेड और स्टडी से रिलेटेड खबरें यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा और भी सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।